कौन सा ऐसा चैप्टर है जोराना चाहेंगे नहीं दोहराना चाहेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है मेरे लिए क्योंकि मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग रहे और जब तक के वो नहीं थे जिंदगी में मैं नहीं होता तो इवन जो जो भी हुआ है मेरे साथ अनफॉर्चुनेट के हुआ है मेरे साथ ताकि मैं इस उस उन सब चीज़ों ने मुझे इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया हेलो मेरा सलमान जी से है आरती सक्सेना <laughs> कि मतलब लाइक like, अमिताभ बच्चन जी ने जब फर्स्ट स्टार्टिंग में जवानी में रोल किया था बुढ़ापे का तभी वो बहुत हैंडसम लगते थे और वो कंटिन्यूटी में उन्होंने मेंटेन किया। अब आप फर्स्ट भी उतना ही लगता है, है सत्तर में भी आप वैसे ही ही ना समझने लगे जी, जी. कोई ऐसे मतलब लोग ये ना समझने लगे कि आ, मतलब हो गए ये रोल देखने के बाद बहुत कम है फिल्म में हाँ. और ये सब जो पोर्सन है बहुत ज्यादा है Okay. तो वैसे लगेगा नहीं okay. और दिस इज़ द मोस्ट इंटरटेनिंग पोर्शन ऑफ द फिल्म मतलब कि अगर एज वाइज के हिसाब से जाओ जा वै कि ये बूढ़ा आदमी है मिडिल क्लास बूढ़ा आदमी है तो अब यहाँ से पिक्चर एकदम तो बोरिंग सी यू you नो know, हो जाएगी बट इनका जो एक ह्यूमर है इनका जो एक स्टाइल है रोब है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस और इनका एंतजी अभी तक मरा नहीं

आजकल क्या हो गया ना कि लोग इमोशन से घबराते हैं इमोशन को ये समझ के चलते हैं कि क्लीशेड है सो दे ट्राइंग टू डू डिफरेंट डिफरेंट स्टफ़ जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर चलता नहीं है हम सब इमोशन से जुड़े हैं हम सब सही और गलत से जुड़े हैं और ये ग्रास रूट जो हमारा जो कल्चर है हमारे ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है और वो अली में कूट कूट के भरा हुआ है सो so,

आठ-नौ साल की उम्र से सात हैं एंड तक के तो इज अन फैबुलस जॉब। आली, दिस इज योर थर्ड फिल्म विथ सलमान भाई आफ्टर सुल्तान एंड टाइगर्स इन देर, सो हाउ एक्साइटेड आर यू एंड बिकॉज़ अ लॉट ऑफ़ होप्स आर पिंट ऑन द फिल्म, सो अन्य नर्वस नेस्ट एक्साइटमेंट।